हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGSS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इज विवान चौधरी। टुडे टॉपिक इज इवोल्यूशन या जैव विकास। तो क्या स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जैव विकास क्या होता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ पृथ्वी पर, आज की ये सब चीज़ें कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, इन सब चीज़ों के बारे में क्या आप जानते हैं? जानते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एंड लेट्स सी इवोल्यूशंस क्या है स्टूडेंट्स। इवोल्यूशंस का मींस है पृथ्वी पर या अर्थ पर या यूनिवर्स में जीवों का एक क्रमिक विकास, यानी सीरियल से अलग अलग जातियों का अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ है, उसे अपन इवोल्यूशंस या जैव विकास कहते हैं। इसी जैव विकास में अपन कैसे एनिमल्स बने, कैसे प्लांट्स बने, कैसे यूनिसेलुलर्स बने, कैसे मल्टीसेलुलर्स बने, इन सब चीज़ों को अपन देखते हैं। और कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ अर्थ दो टॉपिक हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, यानी ब्रह्मांड और जो पृथ्वी है वो कैसे बनी, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, उसके लिए उसको बोलते हैं बिग बैंग हाइपोथीसिस। बिग बैंग परिकल्पना इज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, गेमो, लेमेत्र एंड डिक। गेमो, लेमेत्र एंड डिक, इन्होंने बिग बैंग हाइपोथीसिस या बिग बैंग परिकल्पना दी थी, जो ये बताती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। ये एक इमेजिनेशन है, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट ये तीनों कि ऐसे हुआ होगा। तो इन्होंने कहा कि इनिशियली फेज में जो यूनिवर्स था प्रारंभिक अवस्था में, वो एक हाइपरथर्मल कॉस्मिक डस्ट क्लाउड था, यानी एक अति तप्त कॉस्मिक धूल का बादल था। यानी इनिशियली फेज में जो यूनिवर्स है वो हाइपोथर्मल कॉस्मिक डस्ट क्लाउड की तरह था, यानी अति तप्त कॉस्मिक धूल का एक बादल था। ये डस्ट पार्टिकल्स थे, इनके बीच एक महाविस्फोट हुआ, इन जो इस यूनिवर्स में जो एक डस्ट क्लाउड्स थे इनके बीच एक महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट से दो गैसें बनी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम संगनित हुई, इकट्ठी हुई, तो धीरे धीरे आकाश में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यूनिवर्स में मिल्की वेज बने, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और इन आकाश गंगाओं में वो जो चमकते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, लोब्स दिखाई देते हैं, उन पिंडों को अपन स्टार्स या तारे कहते हैं। और इस इवोल्यूशन को कॉस्मिक इवोल्यूशन कहते हैं, अंतरिक्ष विकास कहते हैं। इस तरीके से तो यूनिवर्स बना अकॉर्डिंग टू बिग बैंग हाइपोथीसिस, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग हाइपोथीसिस दी गई, जो 3 साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, गेमो, लेमेत्र एंड डिक। इन्होंने ये कहा कि इनिशियली जो फेज था उसमें अपना जो यूनिवर्स था एक हाइपर थर्मल कॉस्मिक डस्ट क्लाउड था, अति तप्त कॉस्मिक धूल का एक बादल था। और इसके कणों के बीच एक महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट के फलस्वरूप हाइड्रोजन हीलियम गैसें बनी, और ये संगनित हुई, और संगनित होने के बाद धीरे धीरे आकाश गंगा या मिल्की वेज का निर्माण हुआ। और इन आकाश गंगाओं में कुछ चमकते हुए पिंड दिखाई पड़े, उन्हीं पिंडों को अपन तारे कहते हैं, आज स्टार कहते हैं। और फिर इस प्रोसेस को कहा गया कॉस्मिक इवोल्यूशन या अंतरिक्ष का विकास। फिर अर्थ कैसे बनी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद अर्थ कैसे बनी। अब आकाश गंगाओं के जो सौरमंडल था उसमें पृथ्वी, जिसे पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मानते हैं साइंटिस्ट, वो 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व 20,000 करोड़ ईयर्स अगो ब्रह्मांड का या जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन माना जाता है। मीन्स 2.5 या 2 बिलियन मान लीजिए, सॉरी 200 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का ओरिजिन माना जाता है।
इसके आप अर्थ कैसे बनी। तो जो यूनिवर्स था या फिर सौरमंडल था, इसके आकाश गंगाओं में पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 450 करोड़ ईयर्स अगो। ये इसका ओरिजिन ऑफ अर्थ माना जाता है। कैसे हुआ कि इनिशियली फेज में पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था, धीरे धीरे पृथ्वी, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल फेज में हाइपोथर्मल कॉस्मिक डस्ट क्लाउड था एक यूनिवर्स, तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने से यहाँ कुछ गैसें बनी अर्थ पर, उन गैसों को जैसे H2O बना, पहले हाइड्रोवेपर्स बनी, जल वाष्प बनी, CH4 बनी, मीथेन, NH3 बनी, ऐसी गैसें बनी। प्रारंभिक अवस्था में जल, जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें बनी। ये गैसें बनने के पश्चात जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये गैसें बनी, ये गैसें बनने के पश्चात सूर्य से जो यूवी रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन यूवी रेज ने क्या किया, H2O को तोड़ दिया H2+O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, H2+O2 में तोड़ा। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, CH4 एंड NH3 के साथ क्रिया कर CO2, H2O और अदर गैसेस का फॉर्मेशन कर दिया। CO2 बना दी, H2O बना दी और अन्य गैसों का निर्माण करा। धीरे धीरे अर्थ के सराउंडेड O3 का लेयर बना, जिसे आप ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर बनने के बाद जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, ठंडी होने से जो जल वाष्प था वो जल के रूप में या बारिश के रूप में नीचे गिरा, और जहाँ गहरे गड्ढे थे पृथ्वी पर, वहाँ ओशियंस या महासागर बन गए। और इस तरीके से अर्थ का ओरिजिन माना जाता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग हाइपोथीसिस। ये यूनिवर्स का था, इसी में इसको पढ़ा जाता है। तो ये दो थ्योरी हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो आज के 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, और ओरिजिन ऑफ अर्थ आज के 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यूनिवर्स ब्रह्मांड इनिशियली फेज में हाइपोथर्मल कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स था, अति तप्त कॉस्मिक धूल के कणों का बादल था, इनके बीच महाविस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें बनी, और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें बनने के बाद ये संघनित हुई, कंडेंसेशन वाइन में, और संघनित होने के बाद आकाश गंगाओं का निर्माण, मिल्की वेज का निर्माण हुआ, जिनमें कुछ चमकते पिंड दिखाई पड़े जिन्हें तारे कहते हैं, और इसे कॉस्मिक इवोल्यूशन या अंतरिक्ष का विकास कहते हैं। फिर ये जो सौरमंडल बना इन आकाश गंगाओं में, पृथ्वी का विकास आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कुछ एनवायरनमेंट या कोई वातावरण नहीं था पृथ्वी पर, तो धीरे धीरे ठंडी हुई, जिससे H2O, जल वाष्प, CH4, NH3 जैसे गैसें बनी। सूर्य से सनलाइट आई तो उसके साथ यूवी रेज होती हैं, उनने H2O को तोड़ दिया H2+O2 में। फिर इस ऑक्सीजन ने CH4 NH3 के साथ क्रिया कर CO2, H2O और अदर गैसेस का क्या किया, फॉर्मेशन। धीरे धीरे अर्थ के सराउंडेड O3 या ओजोन लेयर्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन। और ओजोन लेयर्स के फॉर्मेशन के फलस्वरूप ठंडी पर और ज़्यादा ठंडा हुआ, टेम्परेचर और कम हुआ इसका, तो जल वाष्प बारिश के रूप में गिरी, और जो पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढे थे वो महासागरों का रूप ले लिए, ओशियंस का रूप ले लिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ का एक थ्योरी है, इसे अपन बिग बैंग हाइपोथीसिस कहते हैं। हाइपोथीसिस है, ओनली इमेजिनेशन है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और आपके क्या विचार हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।